सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 को लेकर सारे तुर्क के पत्ते यानी ट्रम्प कार्ड धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। अभी तक मूवी की कास्टिंग को लेकर, मूवी के विलन को लेकर बहुत खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन जब से मूवी के जेल ब्रेकिंग वाली सीक्वेंस की बात हुई है, तब से इस मूवी के महाविलन यानी वरिंदर सिंह घुमान की बात भी लीक हो चुकी है। और जिस वरिंदर को यशराज ने चुप रहने के लिए कहा था इतने साल तक, अब वरिंदर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए धीरे धीरे मूवी के प्रमोशन को लेकर बात करने लग गए हैं, जिस बात की तरफ इशारा करता है कि वरिंदर इस मूवी के विलन होंगे अपार्ट फ्रॉम द इमरान हाशमी। बहरहाल वरिंदर ने जो भी सेट को लेकर फोटो डाली हैं, जो भी ट्रेनिंग पार्ट डाला है, जो भी शाहरुख खान की सलमान खान के साथ एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं उनको लेकर प्रैक्टिस वीडियो डाले हैं, उससे दो बात क्लियर होती हैं। एक तो सलमान खान को जब चोट लगी थी तब वरिंदर सिंह घुमन ने अपने इंस्टाग्राम में और ट्विटर में कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, यानी वो कहना चाह रहे थे मेरे साथ एक्शन सीक्वेंस करने के बाद सलमान खान को चोट नहीं लगी, जबकि ऐसा ही हुआ होगा, बिकॉज जब बड़े रेसलर के साथ फाइट होती है तब एक्टर्स को चोट लग जाती है। और वरिंदर सिंह घुमान जो है वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, मिस्टर एशिया रह चुके हैं और हॉलीवुड के एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, प्लस इंडिया के पहले वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं जिनको इतने बड़े लेवल के साथ अप्रिशिएट किया जाता है, तो उनका विलन होना कन्फर्म हो चुका है। अब हाशमी की बारी, हाशमी कब आते हैं ये भी यशराज के मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होगा। बहरहाल टाइगर 3 को लेकर यशराज ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं। एक तो दिवाली पर बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी होने वाली है जहां सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान हाशमी, कैटरीना कैफ और वरिंदर सिंह को एक साथ रखा जाएगा। हो सकता है पहला मौका जब पूरी मूवी कास्ट को एक फ्रेम में रखा जाए, तब तक सारे एक्टर अपने अपने तरीके से मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। सलमान खान शाहरुख खान की जवान को प्रमोट करते हैं तो शाहरुख खान भी सलमान खान की टाइगर 3 को प्रमोट करेंगे, और सिर्फ प्रमोट नहीं करेंगे बल्कि अपना कैमियो लेकर फाड़ू एक्शन सीक्वेंस भी परफॉर्म करेंगे। तो टाइगर 3 सलमान खान के लिए डू एंड डाई वाली मूवी होने वाली है, बिकॉज बैक टू बैक 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद सलमान खान को टाइगर 3 वही कमबैक देगी जो शाहरुख खान को पठान ने दिया था। अब तो शाहरुख खान के पास जवान भी है, डंकी भी है, लेकिन सलमान खान के पास मोटे तौर पर कोई बड़ी मूवी नहीं है, तो सलमान खान के लिए टाइगर 3 संजीवनी का काम करेगी, और इस संजीवनी को लाने में हनुमान का जो रोल करेगा वो बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान होगा, हाशमी होंगे, शाहरुख खान होंगे और कैटरीना कैफ भी होंगी, बिकॉज कहा जा रहा है कैटरीना कैफ की आखिरी मूवी है बताओ टाइगर फ्रेंचाइजी। इसके बाद वो अपनी मैरिड लाइफ में मूव करेंगी, सलमान खान के साथ दोस्ताना खत्म कर लेंगी। तो टाइगर 3 के साथ बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी जुड़ने वाली है और लगता है यही इस मूवी को स्पेशल यूएसपी देगा और मूवी को ब्लॉकबस्टर रेंज में खड़ा करेगा। कोई बड़ी बात नहीं, स्पाई यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाए टाइगर 3 के साथ, बिकॉज इसी कास्ट में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और शाहरुख खान की जवान के बाद तो वैसे भी टाइगर 3 में कैमियो फायरबॉक्स बन चुका है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टाइगर 3, और वरिंदर सिंह घुमान का इंतजार सबको रहेगा, हमें भी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब